आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और बहुत सारी जगह पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, तो मैंने इसका कोर्स बनाया. अभी तो ये हम क्योंकि क्रैश कोर्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसको हम जितना हो सकता है उतना कर पाएंगे, बट इसके ऊपर मैं डिटेल में लेक्चर जरूर बनाऊंगा आपके लिए. ठीक है, साथ ही साथ आपको हर टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर मिलने वाले हैं, और वो मिलते हैं आप लोगों को. अगर पसंद आते हैं तो जरूर लाइक करिएगा, और कोई कमेंट है अगर आपका कुछ रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके. तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की. सीधी सी बात करते हैं, पहले तो आप समझते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब क्या है. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक्चुअली डील करती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ. किसके साथ डील करती है? न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ, रेडियो एक्टिविटी के साथ, न्यूक्लियर प्रोसेस के साथ एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के साथ. ये सारी जो चीजें हैं जिनके साथ जो केमिस्ट्री डील करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी एंड उसके यूजेस क्या हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एंड आगे उसका सोर्स क्या होगा, उसकी रेंज क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ हम इसी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. इसी के अंदर डिस्कस करते हैं, और इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री. क्लियर है यहां तक? तो हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल है तभी वो रेडियो एक्टिव नेचर शो करेगा. तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है क्या, किसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन करेंगे. तो पहले तो हम समझें, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ही देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली जिसका एक प्रिंसिपल है, जिसका एक फिनोमेना है, जिसका एक रिजल्ट है क्या, रेडियो एक्टिविटी. क्लियर है? तो हम बात करते हैं इसी से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की. तो सम न्यूक्लियस आर स्टेबल व्हाइल अदर आर अनस्टेबल. आपने देखा होगा कि सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ये स्टेबल न्यूक्लियस है इनके. ठीक है, और अगर आप वहीं हाइड्रोजन के ट्रिटियम की बात करोगे, यूरेनियम की बात करोगे, तो ये कैसे हैं? न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं. क्लियर? तो बेसिकली क्या है कि जो एटम की स्टेबिलिटी जब हम डिफाइन करते हैं, तो एटम की स्टेबिलिटी तो हम कूलम्बिक फोर्स के बेसिस पर डिफाइन कर देते हैं. कूलम्बिक फोर्स यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, जिसको आप कूलम्ब फोर्स बोलते हो, जो आपने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा होगा, क्लास 12th के अंदर आपने पढ़ा है ना, एफ इज इक्वल टू वन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी. उससे तो आप क्या स्टेबिलिटी निकाल लेते हो एटम की. लेकिन अगर हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करें, तो उसके जो फोर्सेस होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और उन फोर्सेस को डील करने का अभी तक हमारे पास कोई ऐसा तो ऑफर है नहीं, ऐसा हमारे पास तरीका है नहीं जिससे हम उनके साथ डील कर पाए. ठीक है, तो कोई एक सिंगल रूल नहीं है जिसको हम अप्लाई करके ये बता सकें कि आपका जो न्यूक्लियस है वो आपका रेडियो एक्टिव नहीं होगा, या स्टेबल होगा या स्टेबल नहीं होगा. कोई एक सिंगल रूल नहीं है. ठीक है, तो हम न्यूक्लियस की रेडियो एक्टिविटी चेक कर लेते हैं. अगर उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी है या वो डिके हो रहा है, खत्म हो रहा है लगातार, तो हम कह देते हैं उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, और अदरवाइज ये बोल देंगे कि उसका न्यूक्लियस स्टेबल है. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमें पढ़नी है. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसमें, ये देख लेते हैं. पहला है मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट होता क्या है? मास डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर मतलब पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं. फिर से सुन लिए, मास डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एनर्जी इज कॉल्ड अ मास डिफेक्ट. आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन में आपने सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा कि सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है. ऐसी एनर्जी जो सैटेलाइट को आपसे अर्थ के साथ क्या करके रखती है? बाइंड करके रखती है, उस फोर्स पे बाइंड करके रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. अभी हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली है क्या. द टोटल एनर्जी गिवन आउट ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ अ न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के साथ जोड़े रखने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी निकलती है उसमें से, है ना, जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है, उसको आप क्या बोलते हो? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो. समझ में आया कि किसी भी न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से बाइंड अप करने पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी लेसर इज द एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस दस मोर इज स्टेबिलिटी. जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के साथ उतने ज्यादा क्लोज हैं, उतने ज्यादा क्लोज हैं इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा.
न्यूक्लियस अगर ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो रेडियो एक्टिव कम होगा, यानी वो आपका जो फर्जी वाली हरकतें हैं वो कम करेगा. क्लियर है? सो वी कैन कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी विद द फॉर्मूला ऑफ आइंस्टीन मास इक्वेशन. आपको पता है क्या होती है, एम सी स्क्वायर. एम क्या है यहाँ पे, मास चेंज, और सी आपको पता ही है, सी यहाँ पे क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट. क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर और अर्ग मीटर इन ग्राम, इसमें हम बात कर लेते हैं, अर्ग हमारी सीजीएस यूनिट में आ जाएगी, और सी क्या हो जाता है, सी हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहाँ पे मास किस में होगा, ग्राम में होगा, और स्पीड किस में होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में. अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. मास को मुझे एएमयू में लेना है, तो मास को मैंने एएमयू में लिया, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. एएमयू में लेने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, या फिर अवोगाड्रो नंबर से आपने डिवाइड कर दिया. जो भी आप चाहो उसको वैसे समझ सकते हो. अब इसके बाद क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है. उसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो. तो स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, आर्ग में आ ही रही है अभी. अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ओवरऑल क्या निकाल लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं. तो बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 14.923 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ये माइनस 19 जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, मतलब जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन के लिए अगर हम बात करें, तो जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन में यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, एनर्जी कितनी होती है आपकी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. तो ये आपने कन्वर्जन पढ़ा होगा. और अर्ग से जूल कन्वर्जन में क्या होते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. आपकी जो अर्ग यूनिट है वो काफी छोटी होती है एनर्जी की, ठीक है? और उससे भी छोटी यूनिट आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी हो जाएगी. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने कम जूल होते हैं, देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको एमईबी निकालना है, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाता है, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहां से जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई वो कितनी आ गई, 931.478 इंटू डेल्टा एम एमईबी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? अब यहाँ पे एम डैश की अगर वैल्यू बात करें तो एम डैश इज इक्वल टू 1 एएमयू जो हमने लिया था, कंसीडर किया था. बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, अप्रोक्सीमेटली 932 आएगा ये. और डिके ऑफ 1 एएमयू प्रोड्यूस, अगर एक एएमयू मास डिके होगा कहीं से भी, अगर आप एक एएमयू मास किसी भी न्यूक्लियर में से, किसी भी न्यूक्लियस में से अगर 1 एएमयू मास डिके कर पाते हो, तो वहां पे जो एनर्जी का जनरेशन होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी, 931.478 या फिर 931 या फिर 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी. सो यहां से एनर्जी का अगर रिलेशन की हम बात करें, एनर्जी रिलेशन की बात करें, तो 1 एएमयू इज इक्वल टू क्या हो गया, 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो गई. क्लियर है? समझ में आया? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स अगर निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. यानी आप पूरी सिस्टम की बात करें, जो भी आपका न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी आप ले लो, और उस न्यूक्लियस के अंदर कितने आपके न्यूक्लियॉन्स है उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो पर न्यूक्लियॉन जो एनर्जी आएगी वो हमारे पास आ जाएगी. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हैज बीन फाइंड टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे आप फिगर में देख भी पा रहे हो, एंड बिकम मैक्सिमम फॉर 28 Fe एंड एट 8.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किसकी होती है पर न्यूक्लियॉन, आयरन की होती है. यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, ये जो ग्राफ है ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ. जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हो, मास नंबर आप बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाती है, और सबसे मैक्सिमम होती है किसकी, आयरन की, और उसके बाद फिर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती जाती है पर आपके इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियॉन्स. बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है. After iron, it continuously decreases and become almost constant at 7.6 mega electron volt for 82 lead. Lead ये जो होता है ना, 82 lead होता है, उसके लिए क्या होती है, लगभग लगभग constant हो जाती है, वहां पे जाके continuous decrease हो जाएगी और
लेड के लिए कितनी हो जाती है 7.6, वहां पे आके लगभग लगभग क्या हो जाता है कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलता है कि हीलियम की ज्यादा है फिर अचानक से कम हो जाएगी, फिर कार्बन की ज्यादा हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन की कम हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी। तो ये स्टार्टिंग में वेरिएशन ज्यादा है, कब तक, जब तक आपके आयरन की बात करें, आयरन 56 तक पहुंचने के बाद अचानक से पर न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अब बढ़ते जाएंगे, यहां से जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का बढ़ने का रेशियो चेंज होता है वही आपका इफेक्ट करता है आगे चल के कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और इसी वजह से जो आपका लेड है, लेड तक जाते जाते ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। कितना कॉन्स्टेंट हो गया, 7.6 आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाती है, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। समझ में आया, ओके। तो इसीलिए अगर हम बात करें, और यहां से एक और नया जो इम्पोर्टेंट नोट आपको लिखना है वो ये लिखना है कि बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है आयरन की, इसी वजह से क्या होगा कि आयरन यानी 56 जो इसका 26 जो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 Fe 56, ये आपका क्या हो जाता है, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है तो पर न्यूक्लियॉन्स, इसलिए ये न्यूक्लियस जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जेई मेन में आया था, द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम हीलियम एंड प्रोटॉन आर 6.01 amu 4.002602 amu एंड 1.00715 amu रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एनर्जी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है Li प्लस H मतलब हाइड्रोजन गिव्स हीलियम प्लस डेल्टा E, यानी 3 Li7 1 H1 ये आपके कंबाइन होके एक दो हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं, हीलियम एटम बना रहे हैं, और डेल्टा E यहां से चेंज हो रहा है। अब आपको बताना है कि एनर्जी निकालनी है, ये डेल्टा E कितनी एनर्जी होगी, सोचिए समझिए और बताइए आंसर कितना निकालेंगे आप। अब यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में क्या हो जाएगा कि आपने देखा होगा ना, मास कंजर्वेशन, मास चेंज निकालोगे और उस मास चेंज से आपकी क्या निकलेगी, बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी। तो हमें इक्वेशन पता है कि बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बेटा, 931.478 इंटू डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो डेल्टा एम है ये आपका किसमें होना चाहिए, एएमयू में होना चाहिए। यहां पे मैं लिख देता हूं, डेल्टा एम किसमें होना चाहिए, एएमयू में होना चाहिए, क्लियर है। अब क्या डेल्टा एम मैं निकाल सकता हूं, तो डेल्टा एम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, तभी ये जो डेल्टा ई एनर्जी है ये किस साइड आएगी, प्रोडक्ट साइड आएगी। तो रिएक्टेंट का आप मास कैसे निकालेंगे, देखिए लिथियम का मास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 6.014 एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, एक्चुअली 6. नहीं होगा ये आपका, ज्यादा होगा 7 होता है इसका, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको 7 करो, यहाँ पे एक मिनट इसको करेक्ट कर लो, इसका जो मास होता है वो होता है 7.01823 ये होता है लिथियम का एटॉमिक मास, ठीक है, लिथियम हीलियम एंड प्रोटॉन, और हाइड्रोजन का आपको कितना दे रखा है 1.07, बाकी सब ठीक है। तो लिथियम का हम निकालें तो लिथियम का कितना हो जाएगा, 7.01823 प्लस हाइड्रोजन का कितना है आपका 1.00715, ये तो आपका क्या हो गया रिएक्टेंट का, माइनस प्रोडक्ट में क्या बन रहा है 2 times ऑफ हीलियम, हीलियम का कितना है 4.002602, यही है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो डिफरेंस आ जाएगा वो डिफरेंस आ जाएगा 1.01764 amu, ये डिफरेंस आ गया। अब अगर ये डिफरेंस आ गया सो वी कैन कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें डिफरेंस पता चल गया यानी डेल्टा एम पता चल गया, और इस डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर दो 931 से, तो ये हो जाएगा 0.01764 मल्टीप्लाई बाय 931.478 या फिर 931.5 भी आप लिख सकते हो, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 16.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा
16.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं, कैलकुलेट द लॉस इन मास ड्यूरिंग द चेंज। क्या चेंज हो रहा है? लिथियम प्लस हीलियम गिव्स टू एच ई, और आपका यहाँ पे दे रखा है 17.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे हमें मास का चेंज निकालना है, तो मास का चेंज कैसे निकालेंगे? ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है, तो जेई मेन का क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करके देखिए क्या होगा। देखो उसी का रिवर्स क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ठीक है? हमें यहाँ पे दे रखा है चेंज इन एनर्जी, दे रखा है ना बाइंडिंग एनर्जी, ये दे रखा है एनर्जी जितना भी चेंज हो रहा है, और हमें पता है ये क्या होता है, डेल्टा एम इंटू 931.5, यही होता है 478 होता है, उसको 0.5 ले लिया। तो अगर मैं डेल्टा एम निकालूं तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, एनर्जी, एनर्जी कितना दे रखा है, एनर्जी यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 931.5। अब डेल्टा ई कितना दे रखा है, 17.25 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका 931.478 या फिर 5, जो भी आप दे रखें आप 5 ही लिख लो, इसको हटा दो, एक मिनट रुक जाओ, आपको क्या चल रहा है ये सब, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसको भाई सब सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 0.0185 amu, कितना मिल जाएगा 0.0185 amu, और जिसको आप अगर ग्राम में चेंज करना चाहते हो तो ग्राम में कर लो, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3.07 × 10⁻²⁶ ग्राम, है ना, 1.6 × 10⁻²⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका जेई मेन का क्वेश्चन है। अब एक एडवांस का क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स फॉर अ अल्फा पार्टिकल हूज मास इज 4.0028 amu, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0073, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.0087। आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन है, एक बार करके देखिए क्या आपका आंसर आ पाएगा इसमें या नहीं आ पाएगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि हमको कैलकुलेट करना है मास डिफेक्ट, यानी कितना मास चेंज आ रहा है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी भी आपको निकालनी है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे टाइप में तो आपको क्या निकालना है, पहले तो आप मास ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल लो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल किससे बनता है, तो आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ टू प्रोटॉन प्लस मास ऑफ टू न्यूट्रॉन, यानी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिला के आपका क्या बनता है, अल्फा पार्टिकल। तो ये हो जाएगा 2 × 1.0073 प्लस 2 × 1.0087, यही होगा। तो भगवान ने चाहा तो इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा 4.032 amu। तो आसान हो गया थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअल कितना दे रखा है, एक्चुअल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो एक्चुअल मास है अल्फा पार्टिकल का वो कितना है आपका 4.0028 amu। सो वी कैन इजिली कैलकुलेट डेल्टा एम, डेल्टा एम हमारा कितना आ जाएगा बेटा, मास डिके, या जिसको आप डेल्टा एम लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो मास डिके, कितना मास चेंज हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 4.032 − 4.0028। सॉल्व करें इसको तो हमको क्या मिल जाएगा 0.0292 amu, ये मिल गया। अब इससे क्या कर सकते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो एनर्जी कैलकुलेशन कर लो, तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है 931.5 × Δm, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, डेल्टा एम हमारे पास कितना है 0.0292, तो ये हो जाएगा 931.5 × 0.0292, यही है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर? लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स अगर निकालने को बोल रहा है तो आप कैसे निकालोगे, टोटल एनर्जी 27.20 डिवाइडेड बाय,
आपका क्या हो जाएगा, कितने न्यूक्लियॉन्स है, तो न्यूक्लियॉन्स कितने है? चार हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। सॉल्व करें इसको तो आएगा 6.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है। एन आइसोटोपिक स्पीसीज ऑफ लिथियम हाइड्राइड, जिसमें आपको दे रखा है लिथियम जो हम ले रहे हैं 6 वाला हाइड्राइड यानी 2 वाला, इज यूज्ड एज अ पोटेंशियल न्यूक्लियर फ्यूल फॉलोइंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या दे रखी है, 3Li6 1H2, और यहां से क्या दे रखा है, 2He4। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड पावर प्रोडक्शन ऑफ मेगावाट, प्रोडक्शन ऑफ मेगावाट एसोसिएटेड विद 1 ग्राम ऑफ Li6 2H यानी लिथियम हाइड्राइड पर डे, अज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी। आपको दे रखा है लिथियम का मास दे रखा है 3Li6 का मास दे रखा है 6.01512 amu, और हाइड्रोजन का दे रखा है 1H2 का हमको, यानी ड्यूटीरियम का दे रखा है 2.0141, एंड हीलियम का हमको दे रखा है 4.00260 amu। एक बार ट्राई कर देखो कैसे करेंगे इस जेई एडवांस के क्वेश्चन को, बहुत आसान सा दे रखा है। अब हमें आइसोटोपिक स्पीसीज की बात कर रहा है, लिथियम हाइड्राइड सारा कुछ उसने यहाँ पे दे दिया डेटा। अब हमें पता है कि मास डिके निकालेंगे तब हम एनर्जी निकाल पाएंगे, तो आप निकालो मास डिके, मास डिके यानी डेल्टा एम फाइंड आउट करना है, मतलब डेल्टा एम निकाल लो यहां से। तो मास डिके क्या हो जाएगा, पर मॉलिक्यूल ऑफ मास डिके, डेल्टा एम पर मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड के पर मॉलिक्यूल में कितना आपका मास चेंज हो रहा है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, लिथियम हाइड्राइड का टोटल मास कितना हो जाएगा, तो लिथियम का प्लस हाइड्रोजन का, तो हो जाएगा 6.01512 प्लस 2.01410 माइनस प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हीलियम, तो 2 टाइम्स ऑफ हीलियम का कितना है 4.00260। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.02402 amu। यहां तक आया समझ में। अब हम इससे क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं, क्योंकि एनर्जी निकालना बड़ा आसान है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी यानी ई, डेल्टा ई निकालना है तो ई चेंज निकालो, तो आपका क्या हो जाएगा 931.478 मल्टीप्लाई बाय 0.02401, यही है, फनी टू है सॉरी, तो ये टू। क्लियर है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना मिल रहा है आपका, 22.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको अगर जूल में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे हो जाएगा, 22.37 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक आया समझ में। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया तो हम जूल में भी चेंज कर सकते हैं, तो जूल में कैसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 22.37 × 10⁶। ये तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसमें आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹ जूल होता है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.58 × 10⁻¹ जूल। क्लियर है, ये मिल गया। अब बात करते हैं नाउ एनर्जी प्रोड्यूस फॉर 1 मोल ऑफ लिथियम हाइड्राइड। 1 मोल ऑफ लिथियम हाइड्राइड से कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ये तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, ये तो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल मास से एनर्जी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, 1 मोल से एनर्जी निकालनी है, तो 1 मोल से एनर्जी निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ Na निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ Na से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी है, ये एक न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी आ गई, तो हमें 1 मोल न्यूक्लियॉन्स की निकालनी है, 1 मोल न्यूक्लियस की एनर्जी निकालनी है, तो 1 मोल न्यूक्लियस की एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले तो आप एक न्यूक्लियस की एनर्जी लिखो 3.58 × 10⁻¹, और 1 मोल में टोटल न्यूक्लियस कितने होते हैं, वो होते हैं 6.023 × 10⁻²।
इतने न्यूक्लियस होते हैं, किसी के भी अंदर इतनी क्वांटिटी होगी, तो ये हो जाएगी 121.56 इंटू 10 टू द पावर 11 जूल पर मोल, यानी एक मोल की जो वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी। समझ में आया? अब आगे देखते हैं, इससे आगे एनर्जी प्रोड्यूस फॉर 1 ग्राम ऑफ लिथियम हाइड्राइड, 1 ग्राम लिथियम हाइड्राइड के लिए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो क्या करें इसमें 21.55 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11 और एक मोल 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1 ग्राम यानी 8, ये एक मोल कितने ग्राम हो जाएगा, एक मोल आपका लिथियम हाइड्राइड का निकालोगे तो कितना ग्राम दे रखा है, लिथियम का 6, हाइड्रोजन का 2 दे रखा है तो 8 ग्राम का, तो ये 8 ग्राम का था, तो यहां से हमने इसके मोलर मास से इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगी जूल पर ग्राम पर डे, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पर ग्राम पर डे तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था पर आर पर सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, मेगावाट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे लिख देते हैं यहां पे अगले पेज पे, हमें निकालना है एनर्जी प्रोड्यूस फॉर 1 ग्राम ऑफ लिथियम हाइड्राइड पर सेकेंड, तो पर सेकेंड में निकालना है तो ये हो जाएगा 21.55 into 10 to the power 11 divided by 8 into एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे, एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड, तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 3.12 into 10 to the power 6 watt per gram, ठीक है, जूल पर ग्राम सेकेंड बनेगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हटा दो तो एक तो यूनिट चेंज कर देता तुम लोग, यहाँ पे लिखो यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर ग्राम सेकेंड, ये बनेगा जूल पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा वॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.12 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट पर ग्राम। अब हमें मेगावाट बनाना है, तो मेगावाट होता है 10 टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा 3.12 मेगावाट पर ग्राम, ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 3.12 मेगावाट पर ग्राम। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास यहां से देखिए, अब हम बात करते हैं द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन NYZ रेशियो की बात करते हैं। NYZ रेशियो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ये आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर या एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी होगी, पढ़ी है तो बढ़िया, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटॉन को साथ रहने के लिए विद इन द न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नेसेसरी टू क्रिएट अ स्टेबल न्यूक्लियस इंक्रीज रैपिडली एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। The number of neutron to proton ratio of stable nuclei increases with increase in atomic number. जैसे जैसे atomic number बढ़ता जाता है उनका ratio भी क्या होता जाता है, change होता जाता है, number of neutron बढ़ते जाते हैं, number of proton आपके धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ratio बहुत तेजी से change होता जाता है, clear है। The area within which all stable nuclei are found is known as belt of stability. ये जो दे रखा है ये आपका क्या है, belt of stability है, clear है। द मेजोरिटी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर अकर आउटसाइड दिस बेल्ट, इस बेल्ट के बाहर की तरफ आपके जितने भी मिलेंगे आपको वो सारे के सारे क्या मिलेंगे, आप इससे जो अलग मिल जाएंगे बेटा, इस बेल्ट से जो भी आपको अलग दिखाई देगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अब वो किसी भी वजह से रेडियो एक्टिव हो सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा, या तो रेशियो कम हो जाए या रेशियो ज्यादा हो जाए। अब क्या करना है यहाँ पे देखो, तो टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके डेट पर्टिकुलर रेडियो आइसोटोप विल अंडरगो डिपेंड ऑन द लार्ज एक्सटेंट ऑन दिस न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। जितना भी आपका रेडियो एक्टिव डिके है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वाली जो 3 इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, 2-3 इक्वेशन जो भी है उनको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वही पूरा खेल है यहाँ पे, वही पूरा खेल चलेगा आपकी स्टेबिलिटी का, आपकी सारी चीजों का। समझ में आई? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ए देखते हैं,
a nucleus with high n by p ratio which is placed above the belt of stability, यानी high n by p ratio यानी इस वाले ratio से ज्यादा है और वो ऊपर लाई कर रहा है, emit a beta particle in order to lower a n by p ratio and move towards the belt of stability. तो वो बीटा पार्टिकल को रिलीज करेगा और कहां जाने की कोशिश करेगा, वो आपके इस बेल्ट में लौटने की कोशिश करेगा. तो देखो यहां पे क्या कन्वर्जन होता है, यहां पे n by p रेशियो मुझे मेंटेन करना है और n हमारा ज्यादा है p हमारा कम है, तो n का कन्वर्जन होता रहेगा प्रोटॉन के अंदर, तो ऊपर भी वैल्यू कम होगी नीचे वैल्यू बढ़ेगी, तो रेशियो क्या होता जाएगा, मेंटेन होता जाएगा. तो यहां पे न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन के अंदर, तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो एक आपका माइनस बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहा है. माइनस बीटा पार्टिकल का मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीज होगा, जिस बात समझिए कि एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीज होगा बट मास में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, माइनस बीटा बोलते हैं, बीटा माइनस डिके हो गया. इसमें क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो साथ भी निकलता है, तो बीटा माइनस डिके में हमारा क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो. जैसे यहाँ पे सेलेनियम है, सेलेनियम 34 एसिड 82 दे रखा है, इसमें क्या हो जाएगा, मास तो हमारा सेम रहेगा 82 मतलब 82, बट यहाँ पे सेलेनियम से क्या बन जाएगा, क्रिप्टॉन बन जाएगा, और क्रिप्टॉन में कितना चेंज आया, दो एटॉमिक नंबर का चेंज आया, डिक्रीज हो गया, और ये दो एटॉमिक नंबर जो चेंज हुआ है वो माइनस बीटा पार्टिकल के फॉर्म में बाहर निकल गया, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ई जीरो, और यहाँ पे दो माइनस बीटा निकल गया, साथ ही साथ आपका एक क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो भी यहां से रिलीज होगा. दूसरा यहां पे क्या कह रहा है कि अ न्यूक्लियस विद लो एन बाय पी रेशियो लेस देन वन विच इज प्लेस्ड बिलो द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी आइदर एमिट प्रोटॉन और अंडरगोज इलेक्ट्रॉन कैप्चर. अब ऐसी केस में दो होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा या फिर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा. तो पहले हम बात करते हैं यहां पर बीटा पॉजिटिव, ठीक है, जैसे यहां पे देखिए प्रोटॉन है, सेम बात है, n बाय p रेशियो कम है, n बाय p रेशियो कम है, तो आपको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कम करना है और न्यूमरेटर को बढ़ाना है. तो प्रोटॉन से आप न्यूट्रॉन कन्वर्जन करिए, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्जन अगर आप करेंगे 1p1 गिव्स 0n1 प्लस 1e0, ठीक है, और ये जो है इसी को आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव बीटा, और इसमें आपका न्यूट्रीनो निकलता है, वहां पे क्या निकल रहा था, एंटी न्यूट्रीनो, यहाँ पे क्या निकल रहा था, एंटी न्यूट्रिनो, और यहाँ पे क्या रिलीज होगा, न्यूट्रिनो रिलीज होगा, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एमिशन. जैसे एक और देख लो यहाँ पे, ये वही आपको दे रखा है, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपका यहाँ पे लिख दिया. सेम यहाँ पे देखिए, ये तो पॉजिटिव एमिशन हो गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर. इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा कि के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्रोटॉन जो है वो उसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करा, और इसका माइनस वन इसका प्लस वन दोनों मिला के हो गया जीरो, और यहां से कौन सी रे निकलेगी, एक्सरे निकलेगी, और क्या फॉर्म होगा, न्यूट्रॉन फॉर्म होगा, एक्सरे निकलेगी और न्यूट्रॉन फॉर्म होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं. जैसे बेरियम है, बेरियम 56-133 है, इसने क्या करा, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर करा, और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद ध्यान से देखिए कि इसके एटॉमिक नंबर में तो जो चेंज हुआ वो एक का चेंज हुआ, यानी एक डिक्रीज हुआ, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता, एटॉमिक मास जैसा था वो वैसा ही रहेगा, साथ ही साथ इसमें से एक रे निकलेगी, उस रे का नाम हमने क्या दिया, एक्सरे दिया, क्योंकि वो एक्सरे वाली रे सीरीज में लाई कर रही होगी, वेव सीरीज में लाई कर रही होगी उसकी वेवलेंथ. आगे हम बात करते हैं, द न्यूक्लियाई लाइंग बियॉन्ड द अपर लाइन राइट एज आई न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 आउटसाइड द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी undergo alpha emission, emission of alpha particle decrease both the number of proton and neutron and thereby increase n by p ratio. ये क्या करेगी आपको, देखो जैसे ये बिल्कुल स्टीप पे हमको मिल रहे हैं, यहां से ऊपर की बात कर रहा है, तो यहां से ऊपर अगर आपका कोई भी पार्टिकल लाई कर रहा है इस सीरीज से ऊपर, तो वो आपका इस वाले थर्ड वाले केस में आएगा ऐसा, जैसे यूरेनियम हो गया, अब यूरेनियम इसी केस में आ रहा है, तो 92 यूरेनियम 238 हो गया, अब 92 यूरेनियम 238 तो हो गया, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें एक अल्फा पार्टिकल का डिके हुआ, और एक अल्फा पार्टिकल का डिके होगा तो यहाँ पे जो मास में एंड नंबर में चेंज होगा वो तो आएगा 2 का चेंज, और मास में जो चेंज होगा वो आएगा कितने का चेंज, 4 का चेंज, क्लियर है.
तो नंबर में कितने का चेंज आ रहा है हमारा, 2 का चेंज आएगा, मास में कितने का चेंज आएगा, 4 का चेंज आएगा, और उस चेंज से जो निकलेगा पार्टिकल उसको आप हीलियम पार्टिकल या फिर अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा एमिशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अल्फा एमिशन बोलते हैं। वो कह रहा है कि अगर एन वाई जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, इसका मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, और एन वाई जेड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दोनों ग्रेटर देन लिखे हैं, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू वन है तो ये आपको क्या, लेस देन क्या, इक्वल टू वन है तो आपकी स्टेबल न्यूक्लियाई आपको मिल जाएगा। बट इसकी एक रेंज होती है, ऐसा नहीं है कि हर आपका जो है वो ऐसा होगा, स्टेबल रेंज होती है इसकी, मैं बता देता हूँ कि एन वाई जेड अगर आपका ग्रेटर देन वन है तो आपका अनस्टेबल, एन वाई जेड अगर आपका लेस देन वन है इक्वल टू तो स्टेबल न्यूक्लियाई। द नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई न्यूक्लाइड्स इज मैक्सिमम व्हेन बोथ जेड एंड एन आर इवन नंबर, अबाउट 60% ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई न्यूक्लाइड्स हैव बोथ जेड एंड इवन। जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को अगर हम स्टडी करें तो एटॉमिक नंबर जेड और यहाँ पे एन क्या दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, और इससे हमें बताया चल रहा है कि कितने न्यूक्लियाइड्स न्यूक्लियाइड्स जो है वो आपके स्टेबल है, कितने कम स्टेबल है, किस केस में। अगर आपका जेड भी इवन नंबर है और एन भी इवन नंबर है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपके जो है वो इवन में है और एटॉमिक नंबर भी क्या है आपका इवन नंबर में है, तो ऐसे जो न्यूक्लियाइड्स हैं, न्यूक्लियस हैं, वो सारे के सारे क्या है, स्टेबल है। कौन कौन से, कितने स्टेबल है, 166 केसेस है, तो 166 ऐसे हैं जो आपके स्टेबल होंगे। अब आप कहोगे सर इतने तो एलिमेंट भी नहीं है, तो इतने एलिमेंट नहीं है बट इतने आपके आइसोटोप आइसोबार तो है ही ना, सब मिला के तो हो गया। दूसरा आपसे केस कह रहा है कि अगर आपका जेड की वैल्यू इवन है और एन की वैल्यू ऑड है तो उसमें केवल 57 ऐसे न्यूक्लियस हैं जो आपके स्टेबल होंगे। दोनों एक जेड अगर आपका ऑड है और आपका एन एन की वैल्यू इवन है तो यहां पे कितने हैं, 53 है। ओके आगे बात करते हैं, अगर दोनों ऑड है तो यहां पे स्टेबल न्यूक्लियाई कितने है, 8 है, तो स्टेबल कितने हो जाएंगे, 8 है। ठीक है, आया समझ। तो ये सारी चीजें, ये टेबल आपको पता होगी, आपको पता नहीं थी तो बता दिया मैंने। तो अब एक और चीज देख लीजिए, मैजिक नंबर। द न्यूक्लियर सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रॉन सेल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जस्ट एज अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 36, 54, 86 corresponding to the stable closed shell electron configuration, certain number of nuclei lead to closed shell in nuclei. The proton and neutron can achieve a closest shell nuclei with 2, 8, 20, 28, 50 or 82 protons. कितने से, 2 से, 8 से, 20 से, 28 से, 50 से और 82 से प्रोटॉन से, और क्या हो सकता है, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 न्यूट्रॉन corresponding to the closed nuclear shell. Closed shell nuclei are more stable than those that do not have a closed shell. These number of nucleons that corresponding to the closed nuclear shell are called magic number. क्या बोलते हैं इनको, magic number बोलते हैं। तो ये slide रोक के pause करके screenshot लेके एक बार फिर से study करिएगा इस slide को, तो कुछ समझ में आएगा। एक question कर लेते हैं यहाँ से। There is an analogy between the stability of nucleus 208 pb and the lack of reactivity of argon gas. इस पे comment करना, करो। देखो क्या होगा कि अगर argon की बात करते हैं तो 18 ar 40 होता है ना ये, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो यहां पे बात करेंगे तो closed shell ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी बात होगी, इलेक्ट्रॉन्स के क्लोज शेल की बात हो रही है, 288 विच लिमिट्स इट्स रिएक्टिविटी। और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरी जो हमारे पास है वो लेड है, लेड कितना है पीवी 208, इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड शेल
यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लोज शेल है, यहां पे किसका होगा, क्लोज शेल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच लीड्स टू न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो एक जो शेल है क्लोज शेल, वो इलेक्ट्रॉन को क्लोज कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, रिएक्टिविटी को कम कर रहा है, और दूसरा जो है वो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो उनकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। इसकी रिएक्टिविटी से, इसको शेल को क्लोज कर देने से क्या होगा, स्टेबल कर देने से क्या होगा कि ये रिएक्टिव कम हो जाए, ऑर्गन रिएक्टिव नहीं होगा। जबकि अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्लोज कर दोगे तो उनकी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। अगला एक और क्वेश्चन है इसमें, ऑफ द आइसोटोप ऑफ 48 कैडमियम 114, 50 स्टेनस 118 एंड 50 इंडियम 114 विच इज लाइकली टू बी रेडियो एक्टिव एंड वाई, इनमें से कौन ऐसा होगा जो रेडियो एक्टिव होगा और क्यों होगा, सोचो। इंडियम का 49 होता है, ये प्रिंट मिस्टेक है, इसको सही करना। देखो हमने केस देखा था, वो केस क्या था, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला याद आ रहा होगा, कि अगर आपका जेड भी ऑड है और एन भी ऑड है तो बहुत ही कम ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो स्टेबल होते हैं। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो आपका रेडियो एक्टिव हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख लो किसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो पहले तो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके अंदर आ रहा है, तो जेड ऑड किसका है, इंडियम का, तो इंडियम का जेड ऑड कितना है, 49। अगर मैं इसकी बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो ये कितना दे रखा है, 114 माइनस 49 करोगे तो ये भी क्या आएगा, ये ऑड है तो ये भी क्या आएगा, आपका ऑड आएगा। तो वो लाइकली टू बी रिएक्टिव की बात कर रहा है, रेडियो एक्टिव की, तो ये आपका जो इंडियम दे रखा है 49 इंडियम 114, ये आपका क्या हो जाएगा, ये लाइकली टू बी या रेडियो एक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से ये आपका क्या हो सकता है, आपका रेडियो एक्टिव हो सकता है। आगे अगर हम चर्चा करें रेडियो एक्टिविटी की क्या है, तो हेनरी बेकेरल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इनविजिबल पेनिट्रेटिंग रेज फ्रॉम पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट। तो पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट यानी यूरेनियम का था, विच इन्फ्लुएंस फोटोग्राफिक प्लेट इन डार्क एंड वर एबल टू प्रोड्यूस द ल्यूमिनिसिटी इन द सबस्टेंस लाइक जिंक सल्फाइड लेटर ऑन। बाद में क्या करा कि मैरी क्यूरी एंड हस्बैंड क्या थे, पीरे क्यूरी, नेम्ड दिस फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पेनिट्रेटिंग रेज एज रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिविटी नाम दिया। इनिशियली किसने ऑब्जर्व किया था, हेनरी बेकेरल ने इसको ऑब्जर्व किया था। दे ऑल्सो पॉइंटेड आउट डेट रेडियो एक्टिविटी इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन अनस्टेबल और एक्साइटेड न्यूक्लियस। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, अनस्टेबल एंड एक्साइटेड न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है। अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन, the nature of other atom associate with the unstable atom but depend upon the amount of unstable atom। तो ये किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ अनस्टेबल एटम पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं डिपेंड करती। तो यहां से एक आपकी पहला एक नोट बना सकते हैं आप कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियस फिनोमेना एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, Rutherford identifying two types of penetrating rays and name them alpha, यानी इसको हम A से alpha ऐसे दिखाते हैं, beta यानी beta से दिखाएंगे, beta particle। Later on P. Billard identify the name of the third category that is gamma, gamma को हम दिखाते हैं इससे, gamma rays। Clear है, तो जैसा आप दिखाना चाहें वैसे आप दिखा सकते हैं, alpha, beta, gamma, ये आपके ऊपर depend करता है। क्लियर है। अब कुछ प्रॉपर्टी आपको दे रखी है अल्फा बीटा गामा की, एक आपका कंपैरेटिव स्टडी है, तो इस कंपैरेटिव स्टडी को भी कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये कंपैरेटिव स्टडी। पहली स्टडी में है, पहला पॉइंट जो दे रखा है वो आपका है नेचर का। तो नेचर की अगर हम बात करें तो ये क्या, अल्फा में क्या हो जाएगा, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई होना चाहिए,
इसमें बीटा में क्या होगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और गामा में हाई एनर्जी रेडिएशन होता है, बहुत ज्यादा रेडिएशन यहाँ पे दिखाई होगा देगा। अगर नोटेशन की बात करें तो अल्फा आपको पता ही है, ऐसे अल्फा से कैसे डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, बीटा को कैसे डिनोट करते हैं और गामा को कैसे डिनोट करते हैं। गामा में ना तो मास होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है, अल्फा में आपको पता है 2He4 होता है, यानी एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज, मास में 4 का चेंज, और बीटा बेटा 2 होते हैं, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, मास का चेंज 0 होता है, बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर का चेंज होता है, या तो माइनस बीटा है तो एक प्रोडक्ट साइड में एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, और अगर आपका प्लस बीटा है तो प्रोडक्ट साइड में एटॉमिक नंबर एक कम हो जाता है। चार्ज की बात करोगे तो अल्फा के ऊपर +2 यूनिट चार्ज होता है, बीटा के ऊपर दोनों चार्ज हो सकते हैं प्लस भी और माइनस भी, बट यहाँ पे माइनस चार्ज होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो वाली बात चल रही है, और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, गामा क्या होता है बिना चार्ज का घूमता है, ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। अब आगे अगर हम बात करें, आगे हमको क्या दे रखा है, चार्ज नोटेशन तो हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं टिपिकल सोर्सेज, यानी कहां से हमको मिल रहे हैं। तो अल्फा तो हमको मिलता है रेडियम 226 से, बीटा हमको मिलेगा कार्बन 14 से, और गामा हमको क्या मिलेगा टेक्नियम 99m से मिलेगा, जो भी है इससे। वेलोसिटी की बात करें तो 1/10 ऑफ लाइट होता है, 33 to 90% ऑफ लाइट होता है, सेम एज लाइट वेव, क्योंकि ये सबसे हल्का पार्टिकल है तो लाइट वेव किस तरह घूम सकता है, अल्फा भारी होता है तो इसकी जो स्पीड होती है 1/10 ऑफ लाइट की हो जाती है, बीटा आपका क्या हो जाता है बिल्कुल मीडियम में है, इंटरमीडिएट पार्ट से, तो आपकी इसकी स्पीड जो है ना ज्यादा है ना कम है, तो 33 to 90 के बीच में आपकी लाइट की स्पीड के बराबर होती है। नेचर ऑफ पाथ की बात करोगे तो अल्फा का पाथ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बीटा का पाथ क्रूक्ड मिलेगा, और गामा का पाथ वेव फॉर्म में आपको मिलेगा। रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपके 0.01 mm ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल है उसको आप पेनिट्रेट कर सकता है, तो इसकी पावर क्या हो गई 1 हो गई। ये क्या कर सकता है 1 cm, जो 0.1 cm की जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसको पेनिट्रेट कर सकता है, तो इसकी 100 हो गई, और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी 10,000 टाइम हो गई, यानी 8 cm लेड और 25 cm ऑफ स्टील, तो इतनी मोटी चादर को भी ये क्या कर सकता है पेनिट्रेट कर सकता है। तो अगर रेस्पेक्ट में कन्वर्जन निकालोगे तो अल्फा की अगर 1 है पेनिट्रेटिंग पावर तो बीटा की 100 होगी और गामा की 10,000 होगी। ट्रेवल डिस्टेंस से एयर की बात करें तो 2 to 4 cm, यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 to 400 cm, यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 cm हो जाएगा। अगले देखते हैं टिश्यू डेप्थ की बात करें तो टिश्यू डेप्थ में इसकी बात करें तो 0.05 mm, 4.5 mm, 50 cm और मोर ये टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। कौन, अल्फा कितना कर सकता है 0.5 mm कर सकता है, बीटा कितना कर सकता है 4.5 mm कर सकता है, और गामा कितना हो कर सकता है 50 mm एंड मोर, इससे ज्यादा। शील्डिंग की बात करें तो पेपर, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको पेपर और क्लोथिंग में रख के रोका जा सकता है, हैवी क्लोथिंग और लैब कोट और ग्लव्स वगैरह अगर आप पहनोगे तो बीटा को रोका जा सकता है। इसमें क्या हो जाता है लेड थिक कंक्रीट ये सब बना के, जैसे आपने देखा होगा कि जो रेडियो एक्टिव प्लांट होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक बनाए जाते हैं, उनकी जो वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक बनाई जाती है और एब्जॉर्बर लगा दिए जाते हैं उसमें, ताकि आपका गामा रेडिएशन बाहर ना निकले। आपने वो देखा होगा ना, हल्क मूवी देखी होगी तो उसमें गामा रेडिएशन की तो खेल था पूरा, आपने देखा होगा। तो मास की अगर बात करें, ग्राम पर पार्टिकल की बात करें, एक पार्टिकल का ग्राम में मास तो अल्फा का होता है 6.6 × 10⁻²⁴ ग्राम, बीटा का होता है 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम, और गामा का मास क्या होता है 0 हो गया, यानी गामा मासलेस पार्टिकल है, ठीक है, इसीलिए पेनिट्रेटिंग पावर उसकी बहुत ज्यादा होती है। रिलेटिव आयनाइजेशन पावर की बात करोगे तो अल्फा सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर रखेगा, यहाँ पे इसकी 10,000 टाइम होगी, बीटा की वही 100 टाइम, और गामा की इस बार रिवर्स है तो 1 टाइम हो जाएगा, ये आपकी रिलेटिव स्टडी होगी। अब लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस। अल्फा आपका पॉजिटिव है, और अगर हम बात करें तो पॉजिटिव तो किसकी तरफ रिफ्लेक्ट होगा, किसकी तरफ झुक जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा, माइनस की तरफ। बीटा आपका नेगेटिव होता है तो ये किसकी तरफ चला जाएगा, प्लस की तरफ। गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, भाई साहब ये सिंगल अकेले आए थे, अकेले जाएंगे की बात कर देते हैं, तो गामा क्या हो जाएगा नॉट डिफेक्टेड हो जाएगा, हम अकेले घूमेंगे,
जिसे जो कर मिले सो कर ले। क्लियर यहां तक? चलो अब इससे आगे हम कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, और पहले एक नोट देख लेते हैं। बीटा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड मोर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड देन अल्फा पार्टिकल बिकॉज ऑफ देयर लोअर मासेस। बीटा पार्टिकल का मास कम होता है, इनर्शिया कम होगा, इसलिए वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अल्फा पार्टिकल का इनर्शिया ज्यादा होगा, इसलिए वो कम डिफ्लेक्ट होते हैं। गामा रेज आर आइडेंटिकल टू द एक्स रेज बट देयर वेवलेंथ इज मच शॉर्टर देन गामा रेज। तो लगभग होती तो किसकी तरह है, एक्स रेज की तरह, बट गामा रेज एक्स रे नहीं होती, वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक होती है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डज अल्फा पार्टिकल कॉज मोर डैमेज टू टिश्यू देन बीटा पार्टिकल। देखो क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बीटा पार्टिकल से कम होती है। तो अल्फा पार्टिकल की अगर पेनिट्रेटिंग पावर, टिश्यू के अंदर पेनिट्रेटिंग पावर कम है, तो वो अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, टिश्यू को दे देगा। सारी एनर्जी किसको दे रहा है, टिश्यू को, एक पॉइंटेड टाइम पे। तो अगर एक टिश्यू को अपनी एनर्जी अल्फा पार्टिकल दे दे रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टिश्यू उतनी एनर्जी तो आपका होल्ड ही नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे टिश्यू क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। इसीलिए अल्फा पार्टिकल टिश्यू डैमेज ज्यादा करता है, बीटा नहीं करता, क्योंकि बीटा तो पेनिट्रेट करके निकल जाता है। समझ में आया? इसका आंसर ये होगा। अगला एक क्वेश्चन और है, Why is an alpha emitter more hazardous to an organism internally than externally? Whereas gamma emitter is equally hazardous internally and externally. आपको JEE advanced का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अल्फा emitter जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के लिए इंटरनली hazardous होता है, ज्यादा hazardous होता है, externally कम होता है, जबकि गामा emitter जो होता है वो दोनों तरीके से ज्यादा harmful होता है। ये आपको बताना है क्यों है ऐसा, ऐसा क्या इसने बिगाड़ा है, ऐसा आपको बताना है। इसका भी आंसर बिल्कुल सेम है। आंसर सेम क्या मतलब, इसमें क्या होता है कि अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर कम है, तो पेनिट्रेटिंग पावर कम होने की वजह से वो आगे बॉडी में इंटरनली तो एंटर कर जाता है, बाहर से अंदर तो एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद निकल नहीं पाता, तो सारी एनर्जी इंटरनली क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए वो ज्यादा हैजार्डस होता है। किसके लिए? इंटरनली ज्यादा हैजार्डस होगा, एक्सटर्नली कम होगा, बाहर से तो कम ही होगा, क्योंकि बाहर से तो पेनिट्रेट कर गया। वहीं अगर आप गामा पार्टिकल की बात करो, तो गामा पार्टिकल ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है, चाहे बाहर से जाए चाहे अंदर से जाए, आप पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो वो सेम इक्वली क्या करेगा, हैजार्ड करेगा, इक्वली परेशान करेगा, इक्वली आपको लॉस करेगा। तो ये वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर इंटीग्रेशन, या जो किसने दी थी, रदरफोर्ड एंड सोडी ने, तो ये देख लेते हैं। इजेक्शन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल हैज बीन सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड एंड सोडी। स्टेप वन की बात करें, एन एक्साइटेड न्यूक्लियस, अ न्यूक्लियस ऑफ लो बाइंडिंग एनर्जी और हायर एनर्जी लेवल ट्राइज टू अटेन अ लोअर एनर्जी लेवल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। Therefore, alpha particle are emitted from the nucleus as an energy carrier. जब हम बात करते हैं किसी भी excited nucleus की, जिसमें binding energy क्या होगी, कम होगी और higher energy level होगा, तो वो lower energy में जाने की कोशिश करेगा, और lower energy में जाने की कोशिश करेगा तो वो किसको release करेगा, alpha particle को release करेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि step second क्या होगा, during alpha decay No doubt that energy level come down, but N by P ratio increases. कौन सा ratio change हो जाएगा? N by P ratio change हो जाएगा. And therefore, to decrease N by P ratio, attain stability, nucleus undergoes neutron decay. क्या हो जाएगा? Neutron decay और neutron transformation. मैंने अभी हमने पिछले graph में देखा ही था कि neutron convert हो सकता है proton के अंदर, और न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, बीटा पार्टिकल डिके करेगा। बीटा पार्टिकल यानी माइनस बीटा डिके होगा यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इक्वेशन भी आपको दे रखी है, जीरो एन वन गिव्स वन पी वन प्लस माइनस ई जीरो प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रीनो, एंटी न्यूट्रीनो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल डज नॉट अकाउंट फॉर डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई। एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल डज नॉट अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग द न्यूट्रॉन डिके एंड देयरफॉर मिसिंग एनर्जी गेव द एक्सिस्टेंस ऑफ अनदर पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रीनो। क्या बोलते हैं उसको, एंटी न्यूट्रीनो। जो ये वाला पार्टिकल है इसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रीनो बोलते हैं।
थर्ड स्टेप जो इसका फाइनल स्टेप है जो भी हमें समझना है वो क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट न्यूक्लियस आफ्टर अल्फा बीटा एमिशन स्टिल पजेसेस हायर एनर्जी लेवल देन रिक्वायर्ड फॉर इट्स स्टेबिलिटी एंड दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम आउट इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। कौन से फॉर्म में निकलेगा ये, गामा रेज के फॉर्म में निकलेगा, समझ में आया। तो रिजल्टेंट न्यूक्लियस जो है आफ्टर अल्फा बीटा गामा एमिशन प्रोसेस हायर एनर्जी लेवल देन रिक्वायर्ड इट्स स्टेबिलिटी एंड इट्स डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम आउट इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। Thus, gamma radiation are given off by the nuclei in an excited state. तो जब भी आपका excited state में जाएगा उस time पे आपका gamma radiation होगा, क्योंकि इसमें ना तो mass release हो रहा है ना atomic number change हो रहा है, इसमें केवल और केवल energy change हो रही है, ठीक है। Therefore, alpha beta emission are primary, whereas gamma emission are secondary emission. ये important line है, क्या हर जगह gamma emission होगा, जरूरी नहीं है हर जगह गामा एमिशन हो, बट अल्फा और बीटा में तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एमिशन पॉसिबल है। तो इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। दो अ न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन एनी पार्टिकल ऑफ नेगेटिव चार्ज स्टिल द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स बीटा रेज। एक्सप्लेन, आपसे कह रहा है कि न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कंटेन एनी पार्टिकल ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसके पास कोई नेगेटिव पार्टिकल नहीं है। उसके बारे में वो कह रहा है कि स्टिल वो क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट कर रहा है बीटा रेज। कैसे बेटा, बीटा डिके किसके लिए होता है, बीटा डिके आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन डिके, न्यूट्रॉन डिके ऑन अकाउंट ऑफ हायर एन बाय पी ब्रिंग इन बीटा एमिशन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो एन वन ये कन्वर्ट हो जाएगा वन पी वन प्लस माइनस ई वन जीरो प्लस नीट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपको नेगेटिव पार्टिकल के होने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रॉन ही कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन के अंदर। एक्सप्लेन विद द रीजन एंड द नेचर ऑफ एमिट पार्टिकल बाय, ये इतने सारे दे रखे हैं आपको रीजन के साथ पार्टिकल बताने, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, लिखा नहीं है बट मैं लिख देता, तो ये जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको बताओ। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ए वाला जो दे रखा है उसको लिखते हैं, 20 कैल्शियम 38 दे रखा है। अगर मैं इसका n बाय पी रेशियो निकालूं तो n बाय पी रेशियो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन इसके अंदर है 18, प्रोटॉन है इसके अंदर 20, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.9, ठीक है। 0.9 अगर हो गया तो 0.9 का मतलब क्या है कि ये बिलो द लाइन लाई कर रहा है, बिलो द लाइन लाई कर रहा है यानी वन से कम है, तो वन से कम है इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो नेचर ऑफ डिके होगा वो देख लेते हैं बेटा। यहां से बीटा पॉजिटिव निकलेगा तो कैल्शियम ये 38 ये कन्वर्ट हो जाएगा 19 के 38 प्लस प्लस ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा। दूसरा अगर हम बात करें बी, यहां पे क्या दे रखा है, आर्गन दे रखा है 18 ए आर 35, इसमें भी अगर आप n बाय पी रेशियो निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन वन आएगा, और लेस देन वन आएगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बीटा पॉजिटिव डिके होगा, कौन सा होगा, बीटा पॉजिटिव डिके होगा। अगला देखो, जर्मेनियम दिया हुआ है तो जर्मेनियम लिख लेते हैं, अगला जर्मेनियम के बारे में लिखते हैं, तो जर्मेनियम आपको क्या दे रखा है, 32 जीई कितना दे रखा है, एटॉमिक नंबर 80। इसमें आप देखोगे n बाय पी रेशियो निकालो तो n बाय पी रेशियो आएगा 17/18, नहीं नहीं n बाय पी रेशियो क्या लिख रहा हूं मैं अभी, 17/18 क्यों आएगा, n बाय पी रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 32 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 80-32, तो 80-32 करोगे कितना मिलेगा आपको, 80-32 करने पे मिलता है 48/32, तो ये आपको क्या आ जा रहा है, ग्रेटर देन वन आ रहा है, और ग्रेटर देन अगर वन आ रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा,
32 जर्मेनियम 80 ये कन्वर्ट होगा बेटा किसके अंदर, आर्सेनिक के अंदर, तो आर्सेनिक क्या हो जाएगा 33 आर्सेनिक और यहां पे क्या हो जाएगा 80 और यहां पे क्या हो जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन 0 यानी माइनस बीटा डीके होगा, ये क्या होगा माइनस बीटा डीके होगा। इसी में अगला बात करते हैं डी ए बी सी हो गया, ये डी की बात करते हैं तो डी में अगर हम बात करें ऑरम है ए यू गोल्ड दिया हुआ है 79 कितना 173। इसमें अगर आप n बाय पी रेशियो निकालोगे तो n बाय पी रेशियो मिलेगा 94 डिवाइडेड बाय 79 ग्रेटर देन 1 तो यहां पे भी क्या हो जाएगा माइनस बीटा डीके आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। एक और बात करते हैं एबीसीडी ई के बाद आपको क्या दे रखा है 11 सोडियम 22 तो 11 सोडियम 22 करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा अगर n की वैल्यू निकालोगे तो n आपका कितना आ जाएगा 20 n 20 आ जाएगा 11 सोडियम 22 तो 11 सोडियम 22 की बात करें तो पहले तो p की बात करते हैं p कितना आ जाएगा 11 और n कितना आ जाएगा 11 दोनों ऑड हो गए तो ये क्या हो जाएगा दोनों ऑड होने की वजह से क्या हो जाएगा n बाय p रेशियो निकालोगे तो ये आपको क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। 1 आ जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा पॉजिट्रॉन एमिशन हो जाएगा। वैसे तो n बाय p रेशियो क्या हो जाएगा स्टेबल होगा, n बाय p रेशियो यहां पे क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा तो ये स्टेबल है। क्लियर है, आया समझ, तो यही हो जाएगा। अब हम सॉडी फजांस रूल फॉर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पे क्या होता है कि एमिशन दिखाते हैं ये सारे के सारे और एमिशन दिखाने के बाद बाकी के जो बचे हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं तो केवल यहाँ पे आगे और डिस्कस कर लेते हैं। सोडी फजांस रूल है फॉर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें क्या होगा रेडियो एक्टिव एटम ऑन लूजिंग ए अल्फा पार्टिकल शोज अ लॉस इन अ मास नंबर बाय 4 यूनिट एंड लॉस इन अ एटॉमिक नंबर बाय 2 यूनिट दस द न्यूली फॉर्म्ड एलिमेंट ऑक्यूपाइड 2 पोजिशन लेफ्ट टू द पेरेंट एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर कम होगा तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, जैसे रेडियम है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो ये आपका 0 ग्रुप का एलिमेंट बन जाएगा और फिर से इसमें अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये आपका 6 ग्रुप का एलिमेंट बन जाएगा। समझ में आया, इतना आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से शिफ्टिंग होती है। रेडियो एक्टिव एटम ऑन डिके ऑफ बीटा पार्टिकल्स shows a gain in a atomic number by 1 unit whereas mass number remain the same thus the newly formed element occupy 1 position right to the parent element in the periodic table। isme kya hoga ek step aage badh jayega yani lead ki baat kare 82214 hai isme minus beta decay ho raha hai to ye 83 ho raha hai to ye bismuth ban gaya to ye fourth group ka tha ye fifth group ka ho gaya fir minus beta decay ho raha hai to polonium ban raha hai polonium yani ye sixth group ka ho gaya तो इस तरीके से एक 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 प्लेस क्या हो जाएगा नेक्स्ट टू राइट राइट टुवर्ड्स द राइट शिफ्टिंग हो जाएगी। आगे कह रहा है कि 6C14 एक क्वेश्चन है न्यूक्लियाइड्स अंडरगोज बीटा डिके व्हाट इज द स्टेबल न्यूक्लियाइड इज फॉर्म। आपको बताना है कि कौन सा स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ होगा यहाँ पे 6C14 से। देखो क्या होगा कि 6C14 है यहां पे क्या हो जाएगा कि बीटा डिके हो रहा है। अब बीटा डिके कौन सा होगा पॉजिटिव बीटा डिके कि नेगेटिव बीटा डिके ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एन बाय पी रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। यहां पे अगर आप एन बाय पी रेशियो निकालोगे तो 8/6 यानी ग्रेटर देन 1 आएगा तो यहाँ पे जो बीटा डिके होगा वो नेगेटिव बीटा डिके होगा यानी 6C14 ये कन्वर्ट होगा 7N और यहाँ पे एटॉमिक मास तो सेम ही रहेगा 14 प्लस -1E0 इसमें कन्वर्ट होगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका स्टेबल न्यूक्लियोफाई किसका न्यूक्लियोफाई न्यूक्लियाई किसका बनेगा यहाँ पे नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई बनेगा। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज मोर केमिकली रिएक्टिव एंड विच इज मोर रेडियो एक्टिव अमंग 1H1 1H2 1H3 आपसे पूछ रहा है कि कौन केमिकल रिएक्टिव ज्यादा होगा और कौन रेडियो एक्टिव टेंडेंसी रखेगा आपको बताना है। देखो अब वो पूछ रहा है कि कौन केमिकली रिएक्टिव है कौन आपका रेडियो एक्टिव है तो अगर मैं केमिकली रिएक्टिव की बात करूं तो उसमें हम ऑक्टेट वाला रूल लगाते हैं तो इसमें आपका ऑर्डर हो जाएगा 1H1 ज्यादा रिएक्टिव होगा
1H1 ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपका हो जाएगा 1H2, फिर आपका हो जाएगा 1H3, और रेडियो एक्टिव इसमें एक ही होगा। कौन होगा रेडियो एक्टिव इसमें बेटा? 1H3 होगा, जो कौन सा एमिशन कर रहा होगा? माइनस बीटा डीके कर रहा होगा। बेटा मैं क्या है एडवांस का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस गिवन बिलो गिव राइज टू फर्स्ट एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, सेकंड दे रखा है एन इंक्रीज इन NYP रेशियो, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, डिक्रीज इन NYP रेशियो, एमिशन ऑफ एक्सरे डेफिनेटली। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है, सारे मैचिंग करनी है, बता दो सारा कुछ आपको पता है। तो पहला हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा नहीं तो बाद में। तो पहला जो हमको दे रखा है, पहला हमारा क्या दे रखा है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में अगर आपको इंक्रीज करना है, इंक्रीजेज इन एटॉमिक नंबर में हम बात करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीटा एमिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटा एमिशन होगा, तो बीटा एमिशन। दूसरा, और बीटा एमिशन कौन सा वाला? माइनस बीटा एमिशन जो होता है उसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। दूसरा आपसे कह रहा है कि इंक्रीज इन NYP रेशियो। जब आपका NYP रेशियो होगा तो वहां पे पॉजिटिव बीटा एमिशन होता है, पॉजिटिव बीटा या और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं इसको, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, प्लस बीटा या फिर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं इसको। थर्ड देखिए आप, थर्ड आपको देख रखा है डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में डिक्रीज की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन एमिशन, और अल्फा एमिशन। तो पॉजिट्रॉन एमिशन और अल्फा एमिशन में क्या होता है बेटा, या फिर पॉजिट्रॉन एमिशन को बीटा डीके भी बोलते हैं, प्लस बीटा डीके। थर्ड आप देखिए, फोर्थ आपको देखिए, फोर्थ आपको क्या दे रखा है, डिक्रीज इन NYP रेशियो, डिक्रीज इन NYP रेशियो। अब NYP रेशियो में डिक्रीज होता है तो भी आपका क्या होता है बेटा, बीटा डीके होता है, बीटा डीके, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज इन NYP, पी से कन्वर्जन होगा किसके अंदर, एन के अंदर होगा। लास्ट है एमिशन ऑफ एक्सरे, तो इसमें क्या होता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो ये तो था आज का लेक्चर।